लैलतुल क़द्र अपने दामन में इतनी रहमतें रखती हैं कि इस उम्मत के सारे गुनाहगारों की बख्शिश के लिए काफ़ी है। इस रात में रूहुल अमी उतरते हैं फरिश्तों के जलों में झुरमट में, और अहले ईमान जो क़याम में होते हैं, क़ुऊद में होते हैं, ज़िक्र इलाही में होते हैं, उनसे मुसाफ़हा करते हैं। ये रात कौन सी है? तुर्की खेमे में चटाई एक समत करके सरयनवर हुजूर ने बाहर निकाला और फरमाया कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे में तलाश करो। एक रिवायत के लफ्ज़ ये हैं कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। वो ताक रात कौन सी है? उसको मख्फी रखा गया। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं मैं कसम खाता हूँ कि वो रात 27वीं शब है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैह रहमा फरमाते हैं मुझे ज़िंदगी में ये रात दो बार मिली है और दोनों बार 27वीं शब ही थी। तो हम अल्लाह की बारगाह में उम्मीद का दामन फैलाए हैं कि यही शब हो और इसके दामन से फूटती ज़ियाएँ हमारे अंदर के अंधेरों को ख़त्म करने का ज़रिया बने। मुझे आपको अपने माद की आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। ये रातें आती हैं और चली जाती हैं और एक वक्त आएगा कि ये रातें आएंगी और हम नहीं होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल थे लेकिन आज नहीं हैं, उनसे गुज़श्ता सालों में थे आज नहीं हैं। तो अल्लाह हमें हर साल ये रात मुबारक करता है, नसीब होती है। अल्लाह आपकी किस्मत में ऐसी बहुत सारी रातें नसीब करे।